Hi students, today class we will see the projection of solids. पहले क्लास में हम लोग देखे थे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में, बहुत लोग नीचे कमेंट किया था प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में कुछ दिक्कत हो रहा है, उसमें टाइप्स में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है करके। इसलिए आज का क्लास में मतलब क्वेश्चन को कैसे समझना है, उसमें कितना टाइप्स है, उसमें कैसे तुम फाइंड आउट करना है, उसको इसी मेथड हम आज आप लोग को बताने जा रहा है। इसलिए आज का क्लास बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स बढ़िया से समझ में आएगा। अभी फर्स्ट मेथड है, अब इधर देख लीजिए, सॉलिड विथ एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। आपका क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा, उसका एक्सिस मान लीजिए, ये आप एक प्रिज्म समझ लीजिए, ये स्क्वायर प्रिज्म हो गया। ये स्क्वायर प्रिज्म का इसका एक्सिस कहाँ होगा, इसका बीच में से जो इमेजिनरी लाइन हम लोग लेता है, इसका मिडिल पॉइंट से जो इमेजिनरी लाइन हम लोग लेता है, वो हो गया हमारा एक्सिस। इधर देख लीजिए, इसका एक्सिस फर्स्ट वाला के एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, यही हो गया परपेंडिकुलर, आप जो लिखिए हैं ये आपको परपेंडिकुलर हो गया, पैरेलल हो गया ये, ठीक है, ये हो गया पैरेलल है, ये हो गया आपको परपेंडिकुलर है, ठीक है। अभी देखिए, परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। HP मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन HP, VP मतलब वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। HP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, VP मतलब वर्टिकल प्लेन हो गया। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो आप एक बुक को ऐसे एग्जांपल में लीजिएगा तो ये हो गया आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो गया आपको वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अभी ये ऑब्जेक्ट इसका एक्सिस आपको क्या है, परपेंडिकुलर टू HP। हॉरिजॉन्टल प्लेन को एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर, ये वर्टिकल प्लेन को पैरेलल है, यही दिया है। आपको पहले ये समझना है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में जो भी क्वेश्चन पूछेगा, पहले आपको बनाना है ट्रू शेप ऑफ बेस, क्योंकि ना बहुत लोग मतलब बोला था हम लोग को जैसे शुरू करना है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये याद में रखिए, पहले आप शुरू करना है ट्रू शेप ऑफ बेस। मान लीजिए वो पिरामिड हो, जो प्रिज्म हो, स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागनल प्रिज्म, हेक्सागनल प्रिज्म, और नहीं तो सिलेंडर, कोन, स्क्वायर पिरामिड, जो भी है, जो भी सॉलिड आपको दिया रहेगा उसका ट्रू शेप ऑफ बेस बनाना है। आपको मालूम है कोन का बेस, ट्रू शेप ऑफ बेस क्या होगा, सर्कल होगा, सिलेंडर को वो भी सर्कल होगा, स्क्वायर पिरामिड में ट्रू शेप ऑफ बेस क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसी तरह का आपको खुद मालूम है ट्रू शेप क्या है, इसलिए आप पहले क्या बनाना है, ट्रू शेप ऑफ बेस, ठीक है, ट्रू शेप ऑफ बेस। अभी आपको एक डाउट होगा, मान लीजिए हम लोग लेता है एक्स वाई लाइन लेता है, अभी आपको डाउट होगा ये ट्रू शेप कहाँ बनाना है, चाहे ऊपर बनाना है नहीं तो नीचे बनाना है, यही आपको डाउट हो सकता है। इसीलिए आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर टू HP मतलब क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे नीचे रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा तो कैसे रहेगा, ऐसे देखिएगा तो ये आपको परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर रहने के समय में आपको बेस कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा, कहाँ आपका बेस मिलेगा, आपका टॉप व्यू में आपका ट्रू शेप, ये स्क्वायर शेप कहाँ मिलेगा, नीचे, समझ रहे ना। इसलिए अभी आप क्या कर रहा है, आपका ट्रू शेप पहले आप डायग्राम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बनाने के समय में, चालू करने के समय में आप क्या करना है, ट्रू शेप ऑफ बेस। फॉर एग्जाम्पल इसका ये डस्टर का टॉप व्यू ये होगा, फ्रंट व्यू ये होगा, ठीक है, इसको बोलता है फ्रंट व्यू, ये बोलता है टॉप व्यू, ठीक है। इसको हम पहले बनाने के समय में क्या करना है, इसका ट्रू शेप ऑफ बेस, ये हो गया बेस, ये हो गया एलिवेशन, ठीक, ये हो गया बेस, ये हो गया एलिवेशन। अभी क्या करना है, पहले अब ट्रू शेप ऑफ बेस को बनाना है, परपेंडिकुलर टू HP, ऐसे देखिए तो परपेंडिकुलर टू HP मतलब आपका बेस कहाँ आएगा, नीचे आएगा,
क्योंकि ना आपका टॉप व्यू में आपका ट्रू शेप मिलेगा, ऐसे रखेंगे तो ट्रू शेप का बेस कहाँ मिलेगा, टॉप व्यू में। इसलिए पहला मतलब पहला मेथड में आएगा तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू बीपी ऐसे दिया रहता तो जहाँ परपेंडिकुलर दिया हुआ है उधर आपका बेस हो जाएगा, वही बेस को आप पहले बनाना है। अभी आप लोग को कुछ डाउट नहीं होगा फर्स्ट मेथड में, ध्यान से क्वेश्चन में पढ़िए। आपको परपेंडिकुलर टू एचपी एंड एक्सिस पैरेलल टू वीपी दिया रहता तो आप क्या करना है, पहले उसका ट्रू शेप बनाना है। ट्रू शेप का बेस, ट्रू शेप का बेस परपेंडिकुलर टू एचपी रहेगा तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मेथड। ठीक, नेक्स्ट मेथड सॉलिड विद एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। इसमें देखिए सॉलिड विद एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, पहले हम लोग क्या देखे थे परपेंडिकुलर टू एचपी, सेकेंड में क्या है परपेंडिकुलर टू वीपी। अभी आपको खुद मालूम है परपेंडिकुलर टू वीपी मतलब क्या होगा, मान लीजिए हम ऐसे ही हमारा ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो गया हमारा वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल। अभी परपेंडिकुलर टू वीपी, एक्सिस मतलब क्या मालूम है, जो इमेजिनरी लाइन बीच में चलता है वही, वो परपेंडिकुलर टू वीपी वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी। ठीक है, परपेंडिकुलर टू वीपी रहता तो इसका ट्रू शेप ऑफ बेस कहाँ मिलेगा, ऐसे ही देखिएगा तो इसका ट्रू शेप ऑफ बेस आपको कहाँ मिलेगा, वर्टिकल प्लेन में मिलेगा, वर्टिकल प्लेन में मिलेगा। आप ऐसे लीजिएगा तो आपका एक्स वाई लाइन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन लीजिएगा तो आपका फ्रंट व्यू में आपका क्या मिलेगा, ट्रू शेप ऑफ बेस, ट्रू शेप ऑफ बेस फ्रंट व्यू में मिलेगा। अभी क्या करना है, आपका बेस ऊपर बनाना है। ये हो गया आपका सेकेंड मेथड, ध्यान से देख लीजिए। आपको मेन चीज यही है, पहले सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में आप ट्रू शेप ऑफ बेस आपको बनाना है। ट्रू शेप ऑफ बेस पहले फाइंड आउट करने के लिए आपको पांच मेथड है। फर्स्ट मेथड है परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, वो बोल दिया है, उसके हिसाब से आप क्या करना है, उसका बेस कहाँ मिल रहा है उसको बनाना है। सेकेंड है परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, परपेंडिकुलर टू वीपी मतलब आपका फ्रंट व्यू में आपका ट्रू शेप ऑफ बेस मिल जाएगा। तीसरा मेथड है सॉलिड विथ एक्सिस पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। एक्सिस का देखिए एक्सिस इज बोथ, दोनों में पैरेलल है एचपी और वीपी है। हमारा एचपी मतलब क्या है आपको मालूम है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन है। एग्जांपल के लिए आप लीजिए, इधर हो गया आपका, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। अभी जो हमारा फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी, दोबारा में परपेंडिकुलर टू वीपी, अभी दोनों में पैरेलल टू एचपी एंड वीपी। मान लीजिए ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन को मेरा एक्सिस जो इमेजिनरी लाइन बीच में से चलता है वो पैरेलल मतलब ऐसे ही आएगा। ठीक है, अभी मेरा एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी पैरेलल है, वर्टिकल प्लेन को भी पैरेलल है, समझ रहे हैं ना। ध्यान से देखिए, जो मेरा अभी ऑब्जेक्ट है जो सॉलिड है वो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, वो होता है इधर पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, पैरेलल टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। ठीक है, अभी इसका देखिएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी ये पैरेलल है, वर्टिकल प्लेन को भी पैरेलल है। अभी इसका ट्रू शेप ऑफ बेस कहाँ है, ट्रू शेप ऑफ बेस साइड व्यू पे है। आप मान लीजिए साइड से देखिएगा तो इसका बेस आपको साइड व्यू से दिखाई देगा, इसलिए पहले हम लोग क्या करना है, इसका साइड व्यू आप बनाना है। ठीक है, आप ऐसे ही एक सो ही लाइन बनाइएगा तो आपका ट्रू शेप ऑफ बेस पहले साइड में बनाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू एचपी रहेगा तो क्या होगा, नीचे बना जाएगा बेस, परपेंडिकुलर टू वीपी रहेगा तो ऊपर बना जाएगा। ठीक है, पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी ऐसे रहेगा तो क्या करना है,
साइड व्यू पे बनाना है, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट को देख लीजिए, सॉलिड विथ एक्सिस पैरेलल टू एचपी बट इंक्लाइंड टू वीपी। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, पैरेलल टू वीपी, परपेंडिकुलर नहीं तो पैरेलल परपेंडिकुलर। इधर अभी एक दूसरा टर्म आ गया है इंक्लाइंड। इंक्लाइंड मतलब क्या है, थोड़ा टिल्ट होगा, ठीक है, जो कुछ एंगल में टिल्ट होगा, ना सीधा भी नहीं रहेगा, मतलब ऐसे भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा एंगल टिल्ट हो जाएगा, वही होता है इंक्लाइंड। अभी आप ध्यान से देखना है, हमको मालूम है परपेंडिकुलर टाइप का रहेगा तो जैसे बनाना है आपको खुद मालूम है, इसलिए आपको इधर इसी मेथड हम आपको बता रहे हैं। जब भी आपको इंक्लाइंड रहेगा, मान लीजिए सॉलिड विथ एक्सिस पैरेलल टू एचपी, ओके ये एक पार्ट हो गया, बट इंक्लाइंड टू वीपी, इंक्लाइंड जब भी रहेगा अब उसको क्या करना है, मान लीजिए ये हो गया इंक्लाइंड टू वीपी, ठीक है, इसको क्या करना है, आप जहां इंक्लाइंड है उसको परपेंडिकुलर पहले कर दीजिए, बस क्लियर समझ लीजिए, जहां आपको इंक्लाइंड है उसको पहले आप परपेंडिकुलर समझ लीजिए। परपेंडिकुलर समझेगा तो आपको कैसे होगा, पहले फर्स्ट टू मेथड जैसे बनाए थे वही सही से हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, पहले इंक्लाइन टू, जो थोड़ा से एक्सिस क्या है, इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन है, उसको आप क्या करना है, परपेंडिकुलर इमेजिन करना है, परपेंडिकुलर करके बनाना है, ठीक है। अभी ये हमारा रेफरेंस लाइन एक्स वाई वी पी एच पी, ठीक है। अभी क्या करना है, इंक्लाइन टू वीपी मतलब उसको आप ये ऐसे इमेजिन करना है परपेंडिकुलर टू वीपी। परपेंडिकुलर टू वीपी होगा तो कहाँ बेस होगा, ऊपर होगा। फर्स्ट सेकेंड मेथड में हम लोग पढ़े थे ऊपर हमारा ट्रू शेप ऑफ बेस होगा। फर्स्ट स्टेप ट्रू शेप ऑफ बेस बनाना है, वो आपको ऊपर हो जाएगा, ठीक। अभी फिफ्थ मेथड, सॉलिड विथ एक्सिस पैरेलल टू वीपी बट इंक्लाइन टू एचपी। जैसे इसमें किए थे वैसे ही करना है, जहां इंक्लाइन दिया हुआ रहेगा उसको आप क्या कर दीजिए, पहले उसको परपेंडिकुलर समझ लीजिए। परपेंडिकुलर समझिएगा तो आपको आराम से, मतलब परपेंडिकुलर जैसे बनाना है आता है वैसे ही बना लीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर टू एचपी मतलब कैसे होगा, हमारा ट्रू शेप ऑफ बेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा तो क्या करना है, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फिफ्थ मेथड। ध्यान से देखिए, आपका आपको फर्स्ट मेथड है परपेंडिकुलर टू एचपी और पैरेलल टू वीपी, ठीक है। परपेंडिकुलर टू एचपी पैरेलल टू वीपी वैसे आएगा तो आपको रेफरेंस लाइन रहेगा एक्स वाई वी पी एच पी। ट्रू शेप ऑफ बेस कहाँ मिलेगा, टॉप व्यू में मिलेगा। इधर हो गया आपका ट्रू शेप ऑफ बेस। सेकेंड वन आपको परपेंडिकुलर टू बी पी पैरेलल टू एच पी ऐसे रहेगा तो क्या होगा, रेफरेंस लाइन एक्स वाई आपको ऊपर मिल जाएगा, ट्रू शेप ऑफ बेस फ्रंट व्यू में मिल जाएगा, इधर टॉप व्यू में मिल जाएगा। थर्ड वन क्या है, बोथ एच पी और वी पी दोनों में आपका क्या होगा, थर्ड वन एच पी एंड वी पी दोनों में, दोनों को पैरेलल एक्सिस दोनों को पैरेलल रहेगा, ठीक है। वैसे रहेगा तो आप क्या करना है, पहले साइड व्यू बनाना है, ठीक है, एक्स और वाई पहले आपका साइड व्यू, ट्रू शेप ऑफ बेस साइड व्यू बनेगा, ठीक है। फोर्थ वन है, फोर्थ वन क्या है आपको, पैरेलल टू एचपी, ठीक है, पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। उसको आप क्या करना है, जो इंक्लाइन दिया है उसको आप परपेंडिकुलर समझना है, एक्स वाई
इसमें ऊपर आपका ट्रू शेप ऑफ बेस आएगा, ठीक है। फिफ्थ वन आपको पैरेलल टू बीपी एंड इंक्लाइंड टू एचपी, उसको क्या करना है, जो इंक्लाइंड है उसको पहले परपेंडिकुलर करना है, उसके बाद उसका ट्रू शेप बनाना है, ठीक है। इसलिए जो भी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड क्वेश्चन आपको आएगा, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, उसके बाद उसमें जो है आपको मतलब ट्रू शेप जो है उसको पहले बनाना है। ट्रू शेप फाइंड आउट करने के लिए आपको पांच मेथड है, ये इसमें कौन सा टाइप में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा वही टाइप को समझ के पहले ट्रू शेप बना लीजिए आपको, उसके बाद आपको खुद मालूम है, नहीं जानकारी रहे तो पिछले हमारा जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रहेगा, वही लिंक में जाके आप देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चलेगा जैसे एक व्यू बनाने के बाद कैसे बनाता है, मतलब एक जैसे कंटिन्यूस बनाता है, सारा डिटेल्स पुराना वीडियो में है, जो है आप देख लीजिए। अभी भी आपको कुछ डाउट होगा तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम लोग आगे क्लास में उसको क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद।